हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ई क्लास टाइम। आज हम लोग स्नोफ्लेक्स का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। क्लास सिक्स का है। और शुरू करने से पहले कुछ एक सवाल है आप लोगों से। सवाल ये है कि कैसा लगता अगर आप खुद एनिमल से, जानवरों से बात करते, पंछी हो, लायन हो, टाइगर हो, एलिफेंट हो, कुछ भी हो, मंकी हो, कोई भी एनिमल हो, बस आपके पास अगर एक ताकत आ जाते हैं कि आप उनसे बात कर सकते हैं, आपका भाषा वो समझते, तो आप क्या करते? जरूर कुछ ना कुछ तो अलग जरूर करते हैं। ओके, जो भी हो, अगर कुछ भी अलग करने का कोई नया तरीका आपके पास आते हैं तो कमेंट करके बताना है। ओके, चलो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, ये हमारा स्नोफ्लेक्स है और इस स्नोफ्लेक्स का पहला चैप्टर जो है, डॉक्टर डोलिटल हैज मनी प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसे लाइन बाय पढ़ूंगा, लाइन बाय पढ़ के थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा। ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम लोग पूरी चैप्टर तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत देखते हैं, जैसे कि मूवीज में, सीरियल्स में दिखते हैं ना, थोड़ा सा दिखा के रुक जाते हैं, वैसा ही टू बी कंटिन्यू करेंगे बाद में। ठीक है, सो टू स्टार्ट विद, डॉक्टर डोलिटल हैज मनी प्रॉब्लम। आपको स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा। अब इसमें क्या है, चलो पढ़ते हैं पहला पैराग्राफ। आफ्टर डॉक्टर डोलिटल हैड ट्रीटेड द हॉर्स हु वॉज गोइंग ब्लाइंड एंड गॉट हिम अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल, हिज रेप्यूटेशन स्प्रेड फार एंड नियर। ओके, तो इस पूरी कहानी में एक ही करेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है, और वो है, टाइटल से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, डॉक्टर डोलिटल। एक डोलिटल करके एक इंसान होता है जो कि डॉक्टर होता है और वो जानवर का डॉक्टर होता है, और उसका खासियत ये है कि वो जानवरों से, पंछी हो, कोई भी तरह का जानवर हो, उसे बात कर सकता है, वही उसका खासियत है। अब ये जो डॉक्टर है, एक बार ऐसा हुआ कि ये डॉक्टर एक हॉर्स के लिए, एक घोड़ा के लिए, मतलब जिसको आँख में थोड़ा प्रॉब्लम और तकलीफ हो रहा था, रात को ढंग से दिखाई नहीं देता होगा या फिर दिन को ही ठीक से दिखाई नहीं, ऐसा वाला एक घोड़ा था, तो ये डॉक्टर जाके उसका ट्रीटमेंट किया। और पता है ट्रीटमेंट में क्या दिया? उस घोड़ा को एक चश्मा पहना दिया। ओके, इमेजिन कीजिए एक घोड़ा को चश्मा पहन के इधर उधर जाते हुए। ओके जी, डॉक्टर ने वही किया, इस घोड़ा को चश्मा पहना दिया। अब जैसे ही घोड़ा को चश्मा पहना दिया, ये तो बड़ा शॉकिंग न्यूज़ हो गए। अरे भाई, घोड़ा भी चश्मा पहनता है? पहले तो हम देखे थे कि इंसान चश्मा पहनते थे, अब तो देख रहे हैं कि घोड़ा भी चश्मा पहनता है। तो लोगों को थोड़ा अजीब लगा, इन अ वे थोड़ा अच्छा भी लगा। अब देखो उसमें क्या होता है, जैसे ही उसको चश्मा पहना दिया, ये न्यूज़ सारे तरफ स्प्रेड होने लगा कि भाई वहाँ ऐसा ऐसा एक डॉक्टर है जो जानवरों, एक घोड़ा को चश्मा पहना दिया। ओके, तो उसका नेम जो है बहुत फेमस होने लगा। ओके, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। सुन अदर फार्म एनिमल्स एंड पेट्स वर ब्रॉट टू हिम एज सुन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, दे टोल्ड हिम वेयर द पेन वॉज एंड हाउ दे फेल्ट। ओके, एंड ऑफ कोर्स इट वॉज ईजी फॉर हिम टू क्योर देम। समझे? ओके, मतलब बात यह है कि जैसे ही दूसरे एनिमलों को पता चला कि ये वाला डॉक्टर, ओके, जिसका नाम डोलिटल है, कि एनिमल को ट्रीट कर सकता है, एनिमल का भाषा समझ सकता है, एनिमल से बातें कर सकता है, तो क्या क्या उस डॉक्टर के पास हर साइड की एनिमल्स जो है आना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि उस जगह में दूसरा डॉक्टर्स नहीं थे, दूसरे डॉक्टर्स भी थे, ओके, जो कि मेंशन नहीं है, पर ये जो डॉक्टर, इसका स्पेशलिटी था कि वो बात कर सकता है। ओके, अब जो हमको समझेगा, जो हमारे प्रॉब्लम समझेगा, उसी के पास ना पेशेंट जाएंगे,
ओके तो वैसे ही हुआ कि इस डॉक्टर, ये जो डॉक्टर है एनिमल्स को समझ सकता है, एनिमल से बात कर सकता है, और इसीलिए वो लोग जाके इस डॉक्टर से बात करता है। और डॉक्टर द अदर वे, डॉक्टर को तो पता होता है, डॉक्टर बात करता है, बोलते क्या हुआ भाई उनके भाषा में, ओके, और एनिमल बता देते हैं भाई यहाँ दर्द हुआ है, वहाँ दर्द हुआ है, और उसी हिसाब से डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं। और उसके लिए बहुत ईजी था क्योर करना, क्योर मतलब अच्छा ठीक करना, ईजी था मतलब आसान था, ठीक है। चलो पढ़ते हैं आगे। नाउ ऑल द एनिमल्स वेंट बैक एंड told to their friends that there was a doctor in the little house. Okay, there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. Okay, अब बात ऐसा है कि उसका जो नाम है चारों तरफ फैलने लगा, और जो लोग उसके पास आए थे जाके दूसरों को बोलने लगा, अरे पता है वहाँ पे एक डॉक्टर है जो हम लोगों की भाषा बोलते हैं, इंसान है पर हम लोगों की भाषा बोलते हैं, हमको समझ सकते हैं। तो ऐसे उसका नाम सब इधर उधर स्प्रेड होने लगा। और उसका और एक चीज़ बताया गया कि उसके पास एक गार्डन था, ओके, उसका घर है, घर में घर है और उसका एक गार्डन भी था, ओके फाइन। एंड हूएवर व्हेनेवर एनी क्रीचर गॉट सिक, नॉट ओनली हॉर्स एंड काउस एंड डॉग्स बट ऑल द लिटिल थिंग्स इन द फील्ड्स लाइक माइस, मोल्स, बगर्स एंड दे केम टू हिज हाउस ऑन द एज ऑफ द टाउन सो दैट हिज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड विद एनिमल्स ट्राइंग टू गेट टू सी हिम, ओके, ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, सॉरी, ओके। नाउ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जानवर डोमेस्टिक एनिमल उसे कहते हैं, जो घर में रहते हैं वही उसके पास आते थे, ऐसा नहीं था, बल्कि दूसरा दूसरा एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, जानवर को तो छोड़े कीड़े मकोड़े भी आना शुरू कर दिए थे, ओके, और छोटे छोटे जानवर्स भी आए थे, जैसे कि यहाँ पे नाम मेंशन हुआ है, जैसे कि चूहा आए थे, छछुंदर आए थे, वैसा करके बहुत सारे एनिमल्स उसके पास आना शुरू कर दिए थे। डिफरेंस यहाँ पे कुछ एनिमल्स का नाम दिया गया है, जैसे कि वो जो हम दो तीन मेंशन कर दिए हैं, आप लोगों को करना ये है कि डिक्शनरी में चेक करना है या फिर नेट में ही चेक कर लेना, और उन एनिमल्स को नाम याद रखना है पिक्चर के साथ। अब जैसे पिक्चर को देखोगे आपको नाम याद पता चल जाएगा, सो उसको प्लीज अपना होमवर्क के हिसाब से कर लेना, और हो सके तो कमेंट में अगर आप फोटो भेज सकते हैं तो फोटो ही सही आप भेज के बता दीजिएगा कि आपने किया है, ओके। नाउ बात यह था कि जितना भी एनिमल्स आते थे उसका जो गार्डन है, बड़ा सा गार्डन था, इसमें बताए गए हैं गार्डन है, तो उस गार्डन में ये एनिमल्स आते थे, ओके, और उस गार्डन में रहते थे कि थोड़ा सा भी अगर झलक मिल जाए इस डॉक्टर का देख सके, ओके, अगर इस डॉक्टर का देख सके तो वैसे मतलब हर कोई आते हैं डॉक्टर को देखना चाहते हैं या फिर डॉक्टर के साथ पास आके ट्रीटमेंट लेना चाहता है, वो सब चीज़ चालू था। इन अ फ्यू ईयर्स टाइम एवरी लिविंग थिंग्स लाइक फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डोलिटल द वंडरफुल डॉक्टर ऑफ पैडेबल ऑन द मर्स हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक्स एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स एंड ही वॉज हैप्पी एंड लिव्ड हिज लाइफ लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच। नाउ द डॉक्टर began to make money again and his sister Sarah bought a new dress and was happy. Okay, so यहाँ दो तीन एक और character दिखने को मिलता है, and इस paragraph में हमें पता भी चल जाता है, पहले तो पता था कि उस doctor का नाम है Dolittle, यहाँ पे पूरा नाम पता चलता है और एक चीज पता चलता है कि वो कहाँ रहता है, okay, उसका रहने का जो जगह है वो है Paddable ऑन द मर्स, ये एक जगह का नाम है, ओके, इस कहानी में ये जगह का नाम दिया गया है। और डॉक्टर का कंप्लीट नाम क्या था, जॉन डोलिटल, और उसका एक बहन भी थे उसका नाम सारा, ओके। नाउ ऐसा है कि जैसे एनिमल्स उसके पास आना शुरू कर दिया कि एक आया, दो आया, तीन आया, वैसे करके हर एनिमल उस एरिया इलाका में जितना भी एनिमल्स थे, जानवर थे, सब उसके पास आने लगे। तो वैसे में क्या हुआ, ये जो डॉक्टर है
पैसा मांगना शुरू कर दिया। ऑफकोर्स ट्रीटमेंट तो पैसा से होता है, तो ज़्यादा आने लगे तो ज़्यादा ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो ज़्यादा पैसा आया। ओके और उसी हिसाब से वे लोग बहुत खुश थे, वाओ इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि सारा पेशेंट्स उसके पास ही आते हैं, सारा बीमार लोग बीमार हुआ एनिमल्स उसे के पास आते हैं, तो बहुत पैसा था कमा रहे थे। और उसका बहन जो है सारा, सिस्टर जो है सारा, वो खुश हो गई और क्या क्या एक गिफ्ट दिया। कौन सा गिफ्ट था? एक नया ड्रेस खरीद के दिया। ओके नेक्स्ट वन, सम ऑफ द एनिमल्स हु केम टू सी हिम वर सो सिक दैट दे हैड टू स्टे इन द डॉक्टर्स हाउस फॉर अ वीक। ओके कुछ एनिमल्स जो कि बहुत बीमार थे वो लोग क्या कहते आए थे, आके डॉक्टर के घर में ही रहना पड़ा उन लोगों को, दे हैव टू स्टे विद द डॉक्टर। ऐसा नहीं कि आए ट्रीटमेंट करके चले गए, बहुत बीमार है, आज थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, कल थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर के साथ ही रहना शुरू कर दिए, कुछ हफ्तों के लिए भी रह जाते हैं। ओके एंड ऑफन इवन आफ्टर दे गॉट वेल दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो अवे, दे लाइक्ड द डॉक्टर एंड हिज हाउस सो मच। ट्विस्ट यहीं पे है डियर फ्रेंड्स। ओके वे लोग आए तो थे, एनिमल्स आते हैं ट्रीटमेंट कर लेते हैं, रहते हैं उसके साथ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, पर एक बार ठीक हो जाने के बाद जाने का नाम नहीं लेता, सबको पसंद आता है ये डॉक्टर को, ये बोलते हैं डॉक्टर अच्छा है, इस डॉक्टर के साथ ही रहना है। तो वे लोग जो है इस डॉक्टर का घर को पसंद किया, डॉक्टर के साथ रहना पसंद किया और उसी हिसाब से डॉक्टर के पास एनिमल्स आज एक आया, कल एक आया, परसों एक आया, ऐसा करके बहुत सारा एनिमल्स जो डॉक्टर के पास आना शुरू कर दिया और उसके साथ रहना शुरू कर दिया, फैमिली बड़ा हो गया। डियर फ्रेंड्स आज सिर्फ अभी हम लोग सिर्फ ये पहला वाला पेज को पढ़ रहे हैं। ओके कोशिश था कि इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, समझ में आए हैं प्लीज़ कमेंट कर देना, नहीं आए हैं फिर भी कमेंट करना, कोशिश करेंगे कि आपको ठीक से समझाएंगे। बट आपके साइड से एक बार चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, जितना भी न्यू वर्ड्स दिए गए हैं उसमें जो कि आपके लिए प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में, डिक्शनरी रेफर करके उसका मतलब निकाल लीजिएगा और उसी के हिसाब से विथ अंडरस्टैंडिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।